नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। सांसदों की सैलरी में 30% कटौती, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री भी कम लेंगे वेतन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों से की वार्ता, लॉकडाउन खत्म होने के बाद की स्थिति पर हुई चर्चा। संक्रमितों की संख्या 4000 हुई 67, 24 घंटे में 693 नए मामले, अब तक 109 लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना वायरस से निपटने के लिए रेलवे ने अलग वार्ड में तब्दील किए 2500 डिब्बे। पीएम मोदी बोले, कोरोना के खिलाफ लंबी है लड़ाई, कार्यकर्ताओं से किए ये 5 आग्रह। कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, कहा कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट का जनता को मिले फायदा। शरद पवार ने पूछा, निजामुद्दीन धार्मिक कार्यक्रम के लिए अनुमति किसने दी। लखनऊ में महिला डॉक्टर का 2.5 साल का मासूम निकला कोरोना पॉजिटिव। सबसे बड़े आर्थिक संकट के दौरे में है भारत, विशेषज्ञों की मदद ले सरकार, बोले रघुराम राजन। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना संक्रमितों का इलाज सिर्फ 3 अस्पतालों में होगा। उत्तर प्रदेश में आज 22 नए कोरोना संक्रमितों की हुई पुष्टि, बढ़ सकती है लॉकडाउन की अवधि। कनिका कपूर ने कोरोना वायरस को हराया, 18 दिन में ठीक होकर पहुंची घर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों संग मुठभेड़ में शहीद हुए उत्तराखंड के 2 जवान। पंजाब में पूर्व एडिशनल कमिश्नर की मौत, मोहाली में 4 नए मामले आए कोरोना वायरस के, 73 हुई संक्रमित मरीजों की संख्या। पंजाब में कोरोना वायरस से जंग गंवाने वाले बलदेव सिंह के मासूम पोते की रिपोर्ट नेगेटिव, 3 पोतियां भी हुई स्वस्थ। पंजाब में तबलीगी जमात में गए थे 432 लोग और 422 की हुई शनाख्त, सरकार के लिए 2 बड़े फैसले। राजस्थान में एक और व्यक्ति की मौत, संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 274। हरियाणा में कोरोना का संदिग्ध मरीज कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की 6 मंजिल से नीचे गिरा, गवाई जान। चरखी दादरी में नया केस आया सामने, पॉजिटिव मरीज हुए 77, 3 की हुई मौत। हरियाणा में 1 से 8 कक्षा के बच्चे बिना परीक्षा पास होंगे, सरकार ने दिया फरमान। हरियाणा में कोरोना से मौत पर नहीं मिलेगा परिवार को शव, सरकार कराएगी संस्कार, मदद को आगे बढ़े कई हाथ। लॉकडाउन की छुट्टी न समझें, परिवार के साथ समय बिताएं, बुरी आदतें छोड़े, बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें सच कहूं। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।